इसको एक मेघना, ये रेस शुरू कौन जीतेगा, गुटलू या सोना? सोना, सोना का छोटा है। गुटलू जल्दी खा, तेरा बेटा नहीं जीतना चाहिए। क्यों नहीं जीतना चाहिए? बाप तो बेटे को जीतता हुआ देखते खुश होता है, गुटलू नहीं होता। या बेटा होगा खुश? मैंने यही तो सिखाया, यही तो संस्कार दिया मैंने अपने गुटलू को। ये सोना जीत गया, सोना का छोटा था इसलिए सोना जीत गया। कैसे? एक ही उसमें से निकाला था। हाँ, नाम दिया गया। तो ये तीनों फैक्ट बड़े एग्जाम में, यानी ये वाला फैक्ट तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, ठीक है? सौर मंडल के बाहर सीरियस नाम के चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? सीरियस नेम। नाम से धीरे से पलंग टूटता पहली रात, इंडिया का सबसे पहला ऐप बेस्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर 30,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स के फाउंडर्स और सीएक्सओस के साथ आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। इस ऐप को यूज करना एकदम आसान है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। सौर मंडल का सबसे ज्यादा चमकीला तारा सीरियस नाम है, यानी सीरियस ब्लैक स्टार कहा जाता है, लेकिन उसका सीरियस ब्लैक और है, उसको क्या कहा जाएगा? तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो उसको कहा जाता है डॉग स्टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉग स्टार। बात हुई है सोलर सिस्टम की, यानी सौर मंडल की। तो चलिए जान लेते हैं कैसे खा रहे थे, डरा दिया उसको, खाते हो तो मत डराया करो कम से कम। हैं हर बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। सौर मंडल की बात हुई है तो सौर मंडल की जो खोज करी है वो है कॉपरनिकस ने करी है। सूर्य किन गैसों का गोला है? तो हाइड्रोजन व हीलियम गैसेस का गोला है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 71% है, जबकि हीलियम का कितना परसेंटेज है? 29, यानी 27 से 29% है। ये भी आपको याद रखना है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि गैसेज जो सूर्य का गोला है, इसमें कौन सी गैसेज है? एक हाइड्रोजन है प्लस एक हीलियम है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और इन गैसेज में सबसे ज्यादा किसका पार्ट है? इसमें है आपका हाइड्रोजन का पार्ट है 71%। अगला, मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील जो है किसे कहा जाता है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या डल झील है, थोल झील है, या पुष्कर झील है, या फिर बुलर झील है? तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ मीठे पानी की जो सबसे बड़ी जो झील है वो है आपकी बुलर झील। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ट्रेंड होता है और किताबों में